कश्मीर हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर और साबिक मेंबर ज़िला कौंसल मियां मोहम्मद सईद एडवोकेट मरहूम की 9वीं सालाना बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सालाना बरसी में मरहूम की सियासी और समाजी और अदालती खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। मकररीन ने मरहूम के मिशन को जिंदा रखने और आगे लेकर चलने पर जोर दिया। इस मौके पर साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी रुखसार अहमद, चौधरी शहरबाज मुनीर एडवोकेट, PTI के मरकज़ी रहनुमा चौधरी ज़फ़र अनवर, खतीब खड़ी शरीफ दरबार, अलामा मौलाना ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार बाबर अली खान, साबिक सदर बार चौधरी अब्दुल अजीज़ पोठी एडवोकेट, शेख मसूद एडवोकेट, कामरान तारक एडवोकेट, चौधरी जहांगीर अहमद एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार असेंबली चौधरी अशरफ, राजा नवीद अख्तर गोगा, कलेक्टर अमूर मंगला डैम चौधरी अयूब समेत मुकरीन ने अपने खताब में मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। बरसी का एहतमाम मरहूम के साहबजादगान मियाँ अदनान सईद एडवोकेट, मियाँ अरफान, मियाँ इमरान की तरफ से किया गया। मियाँ सईद एडवोकेट मरहूम के साहबजादे मियाँ अदनान सईद एडवोकेट ने आखिर में तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया और मरहूम के दोस्त अहबाब समेत अवाम इलाका की जानिब से उनके वालिद की खिदमात को सराहने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वालिद मोहतरम के मिशन और उनके नक्शे कदम पर चलने का अहद किया।